22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से हजारों लोग अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जिसकी जोरों शोरों से तैयारी भी चल रही है। राम मंदिर में प्रवेश को लेकर एंट्री एडवाइजरी जारी की गई है, तो अगर आप भी आ रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए तो इन बातों का खास ध्यान रखना आपको चाहिए, वरना बिना दर्शन के लिए ही बिना आपको लौटना पड़ सकता है। मंदिर परिसर के खाने पीने की चीजों को भी यहाँ पे लाने की मनाही है, फिर चाहे वो घर का ही बना खाना हो या बाहर के पैक्ड फूड हो। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वॉच, ईयरफोन, लैपटॉप या कैमरा, ये सारी चीजें भी बैन की गई है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के दौरान मंदिर परिसर में बेल्ट और जूते वगैरह भी पहनकर नहीं जा सकते। इसके साथ ही पर्स भी मंदिर के अंदर ले जाना मना है। मंदिर में बिना पूजा थाली के शायद ही लोग आते होंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल आप पूजा सामग्री और थाली को लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि इस दौरान पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। सबसे जरूरी बात यह है कि 22 जनवरी को वही लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जिन्हें इस आयोजन के लिए निमंत्रण पत्र मिला हो। बिना निमंत्रण के यहाँ आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। ये कदम सुरक्षा के लिए उठाया गया है। जबरदस्ती एंट्री करने वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भारतीय ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। हालांकि मंदिर परिसर की तरफ से कोई खास ड्रेस कोड नहीं बताया गया, लेकिन भारतीय पारंपरिक परिधान पहनने वालों को ही तवज्जो दी जाएगी। देखिए, हम जन्मभूमि पथ पे खड़े हुए हैं, 90% लोग जो हैं वो यहीं से एंटर करेंगे। कुछ जो हमारे जिनकी सिक्योरिटी बहुत जिनकी सिक्योरिटी प्राप्त है और उच्च श्रेणी की सिक्योरिटी जिनको प्राप्त है, उन लोगों को हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था रखेंगे। अदरवाइज सब लोग बाकी सब यहीं से अंदर प्रवेश करेंगे। व्हीकल यहां बाहर तक आएगी रामपथ तक इनकी? अभी तक जो प्लान बनाया है कि एक सर्कुलर रूट बनाया गया है रामपथ को, वो पूरा रामपथ को कवर करते हुए और हाईवे को यूज करते हुए, रामपथ हाईवे और धर्मपथ, इस तरह एक सर्कुलर रूट है लगभग 17-18 किलोमीटर का, तो उसको यूज करते हुए गाड़ियां लगातार चलती रहेंगी, ड्रॉप करेंगी और अपने अपने पार्किंग लॉट्स में जाके स्टेशन हो जाएंगी, और फिर वापस जब उनको लेने के लिए वापस आना हो तो उसी को उसी दिशा में चलते हुए यहाँ पर आके उनको पिक करके और अपने गंतव्य स्थान तक चली जाएंगी। तो वो लोग हाईवे से होके और हमारे धर्म पथ पे एंटर करेंगे अयोध्या को, और लता मंगेशकर चौक से टर्न करके दे विल कम राइट अप टू दिस प्लेस जहाँ पे हम लोग एंटर किए थे, जन्मभूमि पथ के और रामपथ का जो जंक्शन, वहाँ पे वो लोग उतरेंगे और गाड़ियाँ जाके उनकी पार्किंग लॉट्स, उनको यहाँ पे पार्किंग, उनको कहाँ गाड़ी पार्क करनी है उनको वहाँ पार्किंग टिकट्स दे दी जाएंगे, उस समय उनको पार्किंग कार्ड्स दे दी जाएंगे और बता दिया जाएगा कि किस जगह पार्क करना है, और उसका मैप उनके पास उपलब्ध होगा और वहाँ पे जाके पार्क कर लेंगे, और फिर इसी तरह से वापस ही इसी रूट को फॉलो करके उनको पिक करके और गाड़ियाँ अपने वापस लखनऊ जाने के लिए वो उपलब्ध हो पाएंगी।